गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछले हफ्ते हमने क्या पढ़ा था? हमारा चैप्टर नंबर 5 टाइम एंड मनी है ना, जिसमें से हम लोगों ने लास्ट वीक क्या पढ़ लिया था? टाइम, ठीक है ना। और अब हम क्या पढ़ेंगे? मनी, ठीक है। मनी, मनी मीन्स पैसे है ना, जो रुपए और पैसे जिससे हम लोग कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं मार्केट से, ठीक है ना। हमारे पास क्या होता है, जैसे अगर आप लोग मार्केट जाते हो तो आप लोग बोलते हो ना, हमें टॉफ़ी लेनी है या हमें पेंसिल लेनी है, नई नई है ना। तो कैसे लेते हैं उसे, हम शॉप पर जाते हैं, फिर हमें जो चीज़ पसंद होती है वो हम ले लेते हैं, मगर उसके बदले हमें कुछ देना पड़ता है ना। क्या देते हैं हम उसे? या तो हम नोट देते हैं या हम कॉइन देते हैं, ठीक है ना। अगर हमने चॉकलेट ली है तो चॉकलेट 1 रुपीज़ की भी होगी, 2 की भी होगी, 5 की भी आती है और 10 भी होती है, ठीक है ना। और अगर हमने पेंसिल ली है वो भी 2 रुपीज़ की भी आएगी, 5 की भी आएगी, 10 की भी आएगी। अगर हम कोई चीज़ बाज़ार से ख़रीदते हैं तो उसके बदले में हमें उन्हें पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये पैसे कितने होते हैं और कैसे होते हैं? 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ है ना। यहाँ तक तो ये हमें कॉइन में भी मिलते हैं, और 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ के नोट भी अवेलेबल होते हैं, है ना। 1 रुपीज़ और 2 रुपीज़ के नोट नहीं होते हैं, ओनली कॉइन होता है। फिर आगे नोट कहाँ तक, कितने रुपीज़ तक के नोट होते हैं? 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ एंड 500 रुपीज़, है ना। अब इन नोटों को हम जोड़कर इससे हम ज़्यादा पैसे भी बना सकते हैं, है ना। अगर हम 5 और 10 रुपीज़ को मिला देंगे तो हमारे पास कितने रुपीज़ हो जाएंगे? 15 रुपीज़ हो गए, है ना। 5 और 10 मिला दिए तो हमने कितने रुपीज़ हो गए? 15 रुपीज़ हो गए। ऐसे अगर हम 5 रुपीज़ और 2 रुपीज़ को प्लस करेंगे तो कितने रुपीज़ हो जाएंगे हमारे पास? 7 रुपीज़। 5 और 2 कितना हो जाता है? 7 रुपीज़, है ना। अगर हम कोई दो चीज़ खरीदते हैं तो हमें, अगर उसकी जो कीमत, एक चीज़ की कीमत कितनी है और दूसरी की कीमत कितनी है। हमने एक पेंसिल ली, पेंसिल कितने की आई? 2 रुपीज़ की आई, ठीक है। और एक हमने चॉकलेट ले ली, चॉकलेट हमारी कितने की आई? 5 रुपीज़ की आई, ठीक है। तो 5 रुपीज़ और 2 रुपीज़ दोनों को मिला के हमें देने हैं तो हमें कितने रुपीज़ देने हैं? 7 रुपीज़ देने हैं, ठीक है ना। पर अब 7 रुपीज़ हम कैसे देंगे? तो एक कॉइन देंगे हम 5 रुपीज़ का और एक कॉइन देंगे हम 2 रुपीज़ का, ठीक है। ऐसे अगर हम लोगों ने कोई डॉल खरीदी है ना, या कोई टॉय ट्रेन खरीदी, तो हम अगर उसकी कीमत बाज़ार में कितने की है, शॉपकीपर ने हमें कितनी बताई? 100 रुपीज़ बताई, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने एक वो ले लिया क्यूबिट, तो वो 20 रुपीज़ का था, ठीक है। तो 100 और 20, अब हमको शॉपकीपर को कितने पैसे देने हैं? 100 भी देना है और 20 भी देना है। तो क्या करेंगे हम? 1 तो 100 रुपीज़ का नोट ले लेंगे और एक 20 रुपीज़ का नोट ले लेंगे। इसमें एक नोट और होता है 50 रुपीज़ का, है ना, वो तो रह गया। 20 के बाद कितने का आता है? 50 रुपीज़ का भी नोट होता है ना। 20, 5, 10, 20, 50, 100, 200 एंड 500, है ना। अगर कोई चीज़ हमने 200 और 50 की खरीदी तो 1 नोट 200 का देंगे और 1 50 रुपीज़ का देंगे, ठीक है। ऐसी कुछ एक्सरसाइज है। ये आइसक्रीम है, कितने की है ये? 5 रुपीज़ की, ठीक है। नहीं, हमारे पास, हाँ, हमें ये आइसक्रीम खरीदनी है, इसके लिए हमें 8 रुपीज़ देने हैं। कितने की आइसक्रीम? 8 रुपीज़ की है। तो 8 रुपीज़ हम कैसे देंगे? अलग अलग तरीके से दे सकते हैं ना। एक तो 5 रुपीज़ का कॉइन दे देंगे, एक 2 रुपीज़ का कॉइन दे देंगे, ठीक है। 5 और 2 कितने हो गए? 7। अब हमें कितना और चाहिए? 1 रुपीज़ और चाहिए, तो एक कॉइन हम 1 रुपीज़ का दे देंगे, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 5 और 2 और 1, 8। तो ये आइसक्रीम हमने 8 रुपीज़ की आइसक्रीम कितने कॉइन देकर खरीदी? 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ और 1 रुपीज़ के कॉइन दिए हमने, ठीक है।
अगर हमें एक टेडी बियर खरीदना है ना, तो 25 रुपीज़ का है टेडी बियर। कितने का है? 25 रुपीज़ का है। तो हम कैसे क्या क्या देंगे? एक हम देंगे 20 रुपीज़ का नोट और एक हम देंगे 5 रुपीज़ का नोट, ठीक है ना। या फिर हम क्या कर सकते हैं, दो 10-10 रुपीज़ के नोट दे सकते हैं और एक 5 रुपीज़ का नोट दे सकते हैं, ठीक है ना। आया समझ में? वन रुपीज, जो ये हमारा 1 रुपीज होता है, इसमें पैसे कितने होते हैं? 100 पैसे। 100 पैसे को मिलाएंगे तो 1 रुपीज बन जाएगा, ठीक है ना। और 100 1 रुपीज मिलाएंगे तो 100 रुपये बन जाएंगे, ठीक है ना। 1000 रुपये बन जाएंगे। ओके, ये हमारा मनी का चैप्टर कंप्लीट हो गया, है ना। अगर हमें 2 रुपीज़ की टॉफ़ी खरीदनी है तो कैसे खरीदेंगे? या तो हम 2 रुपीज़ का 1 कॉइन दे देंगे या फिर हम 1 1 रुपीज़ के 2 कॉइन दे देंगे, ठीक है ना। अगर हमें कोई भी चीज़ लेनी होती है तो उसे हम पैसे दे कर लेते हैं। और हमारे पास कितने पैसे कैसे कैसे अवेलेबल होते हैं? एक 1 रुपीज़ का कॉइन होता है, 2 रुपीज़ का कॉइन होता है, 5 रुपीज़ का कॉइन होता है और 10 रुपीज़ का कॉइन होता है। मगर 5 रुपीज़ से जो है नोट भी स्टार्ट होते हैं ना। 5 रुपीज़ का नोट भी होता है, 10 का होता है, 20 का होता है, 50 का होता है, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ और 500 रुपीज़ तक के नोट होते हैं। इन्हीं को हम जोड़कर, कोई भी चीज़ अगर हमें खरीदनी है तो इन्हीं को जोड़कर हम खरीदते हैं, ठीक है। थैंक यू।